नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्ट्री अड्डा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आई है वाटर विंग के अंतर्गत 281 पोस्ट। इस पोस्ट को केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती। पोस्ट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मिलाकर 281 पोस्ट आई है। ये टेक्निकल पोस्ट है, इसमें ट्रेड वगैरह मांगे गए हैं, तो पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। सैलरी से लेकर सिलेक्शन तक की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाना। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस किस पोस्ट पर आया है। देखिए, वाटर विंग में आई है टोटल 281 पोस्ट आई है। सब इंस्पेक्टर मास्टर की आई है टोटल 8 पोस्ट। सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की आई है 6 पोस्ट। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की आई है 2 पोस्ट। और हेड कांस्टेबल मास्टर की आई है 52 वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की आई है 64 वैकेंसी। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, वर्कशॉप में कई सारे ट्रेड दिए गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, टोटल मिला के 19 पोस्ट आई है सब ट्रेड वगैरह मिला के। कांस्टेबल क्रू की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है 130 वैकेंसी। तो वैकेंसी को काउंट करने पे आपने देखा होगा 281 पोस्ट आ गई है। इसको अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके इसको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपको वैकेंसी के बारे में पता लग गया, अब हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में कि पैसा कितना मिलेगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पे स्केल में जो SI की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, वो लेवल 6 की है। 35,400 आपका बेसिक पे है, उसके बाद अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे आपको। सैलरी आपकी 60,000 प्लस जिससे ज़्यादा हो जाएगी, 60,000 से ज़्यादा सैलरी आपकी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल लेवल 4 की है, 25,500 मिलेगा, सैलरी आपकी 40-45 तक पहुँच जाएगी। सिटी क्रू की बात करें तो 2170 रुपये आपका बेसिक पे है, सैलरी आपकी 35-37 तक पहुँच जाती है आराम से, अलाउंसेज वगैरह मिला के। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि एज कितनी चाहिए। तो आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एज की बात करें तो SI के लिए, SI मास्टर के लिए 22 से 28 साल, SI इंजन ड्राइवर के लिए 22 से 28 साल और SI वर्कशॉप के लिए 20 से 25 साल। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए भी 20 से 25 साल और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए भी 20 से 25 साल। सिटी क्रू के लिए भी 20 से 25 साल मांगा गया है। तो ये इसकी एज डिटेल हो गई। अगर आप एज में आ रहे हो इसमें तो आप अप्लाई जरूर करना, बहुत ही अच्छी पोस्ट आई है, 281 वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जैसे भी आपको मिलता है SC ST OBC को, जैसे मिलता है OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, वो सारे एज रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे इसमें भी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए। उसके बाद आपसे एक सर्टिफिकेट मांगा गया है, सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से एम्प्लॉय होना चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा अब इशू होना चाहिए। सेकेंड नंबर की बात करें सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की, तो इसमें आपका भी 12वीं मांगा गया है। इसमें फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट मांगा गया है सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट द्वारा ये इशू होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और थ्री ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या मरीन या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अब बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल मास्टर की, तो इसमें आपसे केवल 10वीं मांगा गया है और सीरंग सर्टिफिकेट मांगा गया है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करें तो इसमें भी आपको हाई स्कूल मांगा गया है और प्रोसेसिंग सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट मांगा गया है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात करें तो इसमें हाई स्कूल मांगा गया है और आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि मोटर मैकेनिक डीजल पेट्रोल में होने चाहिए, इलेक्ट्रीशियन की होनी चाहिए, मशीनिस्ट की होनी चाहिए, कारपेंटर की होनी चाहिए, AC टेक्नीशियन की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की होनी चाहिए, प्लम्बिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ITI की सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिटी क्रू की बात करें जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, इसमें आपसे हाई स्कूल मांगा गया है और आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP, ठीक है, ये आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। और भी आप बोला गया कि उसको तैरना वगैरह आना चाहिए, स्विमिंग वगैरह आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया, क्या हाइट होनी चाहिए सब कुछ।
तो देखिए हाइट की बात करें तो जैसा कि पहला इसमें लिख दिया गया है कि शेड्यूल टाइप, अगर एसटी हैं आप, आदिवासी हैं या नागास हैं, मिजोरम से बिलोंग करते हैं, तो आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 73 आपका मिनिमम होना चाहिए बिना फुलाए, और 78 आपको फुलाने पे होना चाहिए, मतलब कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही है। और उसके बाद जो पर्सन जो बिलोंग करते हैं गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न, और या फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, यूनियन टेरेटरी या फिर पंडिचेरी से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो नॉर्मल स्टेट जैसे यूपी, एमपी वगैरह से भी बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, और आपका 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और वेट की बात करें तो वेट आपकी हाइट पर डिपेंड करता है, इसके लिए आपका बीएमआई देखना होगा, बॉडी मास इंडिकेटर होता है, उससे आपका वेट निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो सिलेक्शन दो फेज में सिलेक्शन होगा, पहला फेज में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, तो सेकेंड फेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट फेज की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, ट्रेड अवेयरनेस के आएंगे 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। और उसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट वगैरह है जैसे मास्टर के लिए और आपके वर्कशॉप के लिए, सिटी क्रू के लिए, उसके लिए अलग से क्वेश्चन बनाया गया है, उसका अलग से पेपर बनाया गया है, उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे 35 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे 30 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट में आपको कितनी लॉन्ग जंप, कितनी हाई जंप, कितनी रनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 माइल की रेस होगी, मतलब कि 1600 मीटर की रेस होगी, 8 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको, हाई जंप 3 फीट 6 इंच होगा, 3 अटैम्प्ट मिलेंगे आपको, और लॉन्ग जंप 11 फीट होगा, 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। तो यह होगा इसका फिजिकल का। अब बात कर लेते हैं कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो एसआई के लिए जितनी भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए 200 देना पड़ेगा, और हेड कांस्टेबल कांस्टेबल के लिए आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके हमारे चैनल से जुड़ जाना। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।